श्री आयुर्वेद महाविद्यालय एवं पकवासा समन्वय रुग्णालय इनके संयुक्त तत्वधान में आयुर्वेद दिन और धन्वंतरी दिन मनाया गया। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। आयुर्वेद यह ऋग्वेद का उपवेद है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी है। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता माने जाते हैं। वे स्वास्थ्य धन आरोग्य की देवता है। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस संपूर्ण भारत में विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेज एवं संगठनों द्वारा मनाया जाता है। भारतीय वैदिक समन्वय समिति श्री आयुर्वेद महाविद्यालय तथा पकवासा समन्वय रुग्णालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रप्रेम संगोष्ठी एवं आयुर्वेद वैद्यों का सम्मान तथा आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष विशेषता कोरोना वैश्विक महामारी में चिकित्सा लेने देने वाले महाविद्यालयीन वैद्यों का कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनविजन की टीम आयुर्वेदिक पकवासा अस्पताल में है। हम आपको बता दें कि पुरातन काल से आयुर्वेद को काफी महत्व है। ऐसे में आज का ये दिन भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आज आयुर्वेदिक का दिन भी है और साथ ही साथ धन्वंतरी का दिन भी बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज रेशम बाग चौक स्थित श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय और पकवासा रुग्णालय इनके संयुक्त तत्वावधान में ये जो कोरोना वॉरियर्स का सत्कार किया गया और क्या क्या प्रोग्राम हुए, इसके बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे। इस समय में हमारे साथ उपाध्याय साहब खुद मौजूद है। सर, ये बताइए, ये कार्यक्रम लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, आयुर्वेद जगत की बहुत पहले से ये परंपरा रही है कि धन्वंतरी जयंती पे हम वरिष्ठ वैद्यों का सत्कार करते आ रहे हैं। इस बार पूरे देश की, पूरे विश्व की परिस्थिति अलग है और कोरोना महामारी ने सारे लोगों को आक्रांत किया हुआ है। तो जब ये धन्वंतरी जयंती का समय आया तो हम लोगों ने विचार किया कि हम हर साल तो विद्वानों का, आयुर्वेद विद्वानों का, वैद्यों का सत्कार करते हैं, क्यों ना इस बार उन लोगों का सत्कार किया जाए जो आयुर्वेद के विद्वान हैं, आयुर्वेद के बहुत सिद्ध हस्त चिकित्सक हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय प्रशासन के आह्वान पर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कोरोना के जो कोरोनाग्रस्त जो मरीज हैं उनकी दिन रात सेवा की। और निश्चित रूप से हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक है कि रोग पंकारण वे मग्नम या समुद्धरते जन्म कस्तेन न कृतो कर्मा काम च पूजाम न सो रहती। रोग रूपी कीचड़ में फंसे हुए लोगों को जो निकालते हैं, उस व्यक्ति ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म है जो नहीं कर लिया और कौन सा ऐसा सम्मान है, कौन सी ऐसी पूजा है जिसके वो पात्र नहीं है। तो वस्तुतः इनका तो और बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए था, बड़ा जोरदार सम्मान होना चाहिए था, लेकिन हम अपने सीमित साधनों से, हमारे अपने जो हैं, जो शिक्षा का काम करते हैं, शोध का काम करते हैं, लेकिन राष्ट्र की पुकार पर, स्थानीय प्रशासन के आह्वान पर वे सक्रिय रूप से फील्ड में आकर कोरोना रोगियों की सेवा भी करते हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और उनके लिए अभिनंदन सम्मान की बात है। तो आप थे उपाध्याय साहब, जिन्होंने बखूबी व्यापक के साथ बात करते हुए तमाम पहलुओं पर रोशनी डाला और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से कोरोना वॉरियर्स के लिए ये डॉक्टर की टीम ने दिन रात काम किया, जान की बाजी लगाकर उन्होंने एक अच्छा काम किया और ऐसे लोगों का सम्मान होना ये बेहद ज़रूरी है। और हर देश का व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है जब वो आयुर्वेद का इलाज करे, आयुर्वेद को अपना ले, तब कई व्यक्ति नहीं देश मजबूत होगा और देश तभी मजबूत होगा जब देश का नागरिक भी मजबूत होगा। आयुर्वेदिक अस्पताल से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।